गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने एसएफ एंड एलसीएम चैप्टर में इंट्रोडक्शन लिया था। आज के जो सेशन है हमारे उसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को देखेंगे, उसके दो मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग प्रीवियस क्लासेस में उसको अच्छे से पढ़े भी होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, बोलने को बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंपोजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द कंपोजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, फैक्टर बोलो या फिर प्राइम फैक्टर बोल सकते हो, प्राइम फैक्टर बोलो तो उचित रहेगा। प्राइम फैक्टर, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द कंपोजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। वन प्रोसेस जिसमें अप्लाई करते हो कंपोजिट नंबर को, उसके प्रोडक्ट के ऐसे लिखते हो, मतलब किसी कंपोजिट नंबर का उसके प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखते हो या प्रोडक्ट लिखते हो, तो वही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लो 12 का, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू व्हाट 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हो, यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन इसमें आप लोग चेंज करके भी दे सकते हैं। अभी आपके बुक में बहुत तरह के क्वेश्चन दिए हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं है कि आपको इजी होगा इस चैप्टर में, थोड़ा सा टफ होगा, कुछ क्वेश्चन जो होंगे वर्ड्स प्रॉब्लम के, वो टफ नहीं होंगे बट इजियर होंगे, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट आर 72 एंड 72 है तो क्या हो सकता है, आपको टू नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 72, दैट मीन्स टू नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 72। क्यों सर, फैक्टर ऑफ 72 प्रोडक्ट नहीं, क्यों लिए, डिफरेंस क्यों नहीं लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको जानते हैं कि मल्टीप्लाई का टर्म यूज होता है, आगे माइनस और प्लस का, क्वेश्चन यहाँ पे सम ही दे सकता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग प्रोडक्ट के वैल्यू को फैक्टर के टर्म में लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट को पेयर में देखेंगे, ठीक है, द प्रोडक्ट इन पेयर, पेयर में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 और 72 लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 236 लिख सकते हैं, 418 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अगर मैं बात करूं अगर उसे लिखने की है तो क्या उसमें कोई दिक्कत होगा, और भी क्या लिख सकते हो, 24 लिख सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो, देखो चाहने को भी तुम चाहो तो
6 12 देख लो, और भी देख लो, मैं लिख लेता हूं 6 12 और क्या लिख सकते हो, 36 टू लिख दिया हो, 6 12 लिख लिया, 18 6 लिख लो, 18 6 18 4 होगा, ठीक है, 6 नहीं होगा, 18 4 होगा, और 36 2, ठीक है, 18 4 और 324, चलिए इतना लिख सकते हो ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं इन सभी पेयर्स में से कौन जो एक ऐसा नंबर है जो जिसका डिफरेंस क्या आएगा, आपको 21 आएगा, तो आप देख सकते हो 72 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे 71 आ जाएगा, 36 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे तो 34 आ जाएगा, 18 में से 4 सबट्रैक्ट करोगे तो 14 आएगा, 12 में से 6 सबट्रैक्ट करोगे 6 आएगा, बट एक है जिसमें से 24 में से 3 सबट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है। आउट ऑफ दीज 3 एंड 24 इज द पेयर्स ऑफ नंबर व्हिच डिफरेंस इज व्हाट, 21, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट, 24 एंड 3। आउट ऑफ दीज 24 and 3 are the pairs of number whose difference is what? 21, ठीक है? Therefore, the two numbers are what? If it does, the required number is what? Required number is 3 and 24, ओके, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप लोगों को पहले से बहुत अच्छे से मालूम है कि देयर आर टू प्रोसेस बाय व्हिच फैक्टर वी गेट द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स, ओके। देखिए, एक ट्री मेथड्स होता है, पढ़े होंगे ट्री फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या होता है, सॉर्ट डिवीजन मेथड। ट्री फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हो, आप कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करते हो, कंपोजिट नंबर कर लिया बाद जस्ट उसको फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करते हो। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, 24 को मैं क्या करता हूं, प्रोसेस करता हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर इसका अगर आप फैक्टर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 12 और 2। अब ये कंपोजिट नंबर है उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे क्या मिलेगा, 6 1 2। ये भी कंपोजिट नंबर है फिर इसको फैक्टराइज करेंगे क्या मिलेगा, 3 एंड 2, ओके। देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू व्हाट, 3 2 2 2, 3 2 2 2 2 2, यही हमारा प्राइम फैक्टर हुआ, किसका, 24 का। किस मेथड से, ट्री फैक्टराइजेशन मेथड से, ये ट्री फैक्टराइजेशन मेथड है। 4 क्लास में आप इसको अच्छे से पढ़े, 5 में पढ़े, ठीक है। तो 3 2 6 6 2 12 12 2 4 24, ओके। शॉर्ट डिवीजन मेथड से देख लेते हैं शॉर्टकट, मान लिया 24 का हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकाला है, तो हम क्या करते थे, कैसे फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते थे, लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू कोशिश करते थे, जैसे 2 से कट टू 12 टाइम टू 2 से 6 टाइम टू 2 से 3 टाइम्स में, तो फैक्टर ये शॉर्ट डिवीजन मेथड से, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जस्ट लाइक इट वो था सेम, ये मेथड हुआ शॉर्ट डिवीजन मेथड, और ये जो आपको ट्री फैक्टराइजेशन। तो हम कोशिश करेंगे इसी प्रोसेस से, आपको कुछ मैंने क्वेश्चन दिया आप सॉल्व कीजिएगा, अगर इसका डाउट होता है तो प्लीज डाउट सेशन में अपने क्लास टीचर से जरूर पूछिएगा जो मैथ्स के होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और भी प्लस टॉपिक्स को देखेंगे इससे रिलेटेड, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।